अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है नासिर बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग खान। आज हम मैसी का मिल्लत वालों का ट्रैक्टर है 260, इसका रिव्यू चेक करेंगे और इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये इसकी बैटरी वाला निशान है, ये इसका ऑयल वाला, और ये हीट वगैरह, मसलन ट्रैक्टर कितना गर्म वगैरह हो चुका है, मसलन इसका दूसरे ट्रैक्टरों की तरह पुश बटन नहीं होता, इसे चाबी की मदद से स्टार्ट करते हैं। ये जैसे जैसे एक स्विच लगाएंगे ये वो ऑन हो जाएगा, मसलन इंजन ऑन नहीं होगा ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। एक स्विच लगाने से ये ऑन हो जाता है, मसलन करंट इसमें आ जाता है मगर इसका इंजन स्टार्ट नहीं होता, और ये इसकी वैसे दूसरे ट्रैक्टर की तरह ये रेस हो गई। और ये बात करें लीवर्स की तो ये इसकी ब्रेक्स हो गई और इसकी रेस इधर है, दूसरे फीएट वालों की उनकी रेस इधर नीचे लगी होती है, इसकी रेस इधर ऊपर आ गई। और इसकी गियरों की बात करें तो इसके गियर मसलन ये आप लोगों को पता होगा, ये हाई लो है, ये हाई में, ये लो में चला गया और ये हाई में। मसलन इसे अगर आगे करेंगे तो ट्रैक्टर हमारा स्लो स्लो चलेगा आस्ते आस्ते, और अगर इसे नीचे कर देंगे तो हमारा ट्रैक्टर दौड़ेगा, मसलन तेज़ स्पीड से चलेगा। इसे न्यूट्रल कर देंगे और ये हमारे गियर आ गए। अब मसलन अब फीएट और मैसी में जो बड़ा फ़र्क है वो गियर का है। जैसा कि आप चेक करें, इसका जो सा पहला गियर है वो इधर करके मसलन नीचे की तरफ लगता है, यहाँ पे फीएट का मसलन दूसरा गियर लगता है, इसका इधर पहला लगता है और इसका रिवर्स आगे लगता है जिधर फीएट का पहला लगता है, और इसका तीसरा गियर लगता है जैसे उसका लगता है, सेम ही वैसे इसका तीसरा गियर लगता है। और इसे दरमियान में करके न्यूट्रल हो गया, फिर साइड में करके आगे जिधर उसका डबल टॉप लगता है, मसलन पाँचवा गियर लगता है, इधर इसका दूसरा गियर लगता है, और चौथा वैसे ही दरमियान में करके साइड में ये चौथा लग गया, और इसे दोबारा वो करेंगे न्यूट्रल हो गया। ये इसकी हैंड ब्रेक मसलन दूसरों की फीएट वालों के दरमियान में होती है, इसकी साइड में आ गई है हैंड ब्रेक। ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें इसकी सेम ही हैं, ये फिल्टर वगैरह बाकी आप लोगों को पता ही होगा। ये इसका क्लच, इसका क्लच डबल होता है, मसलन पीछे पीटी शाफ्ट चलाने के लिए इसे प्रेस करेंगे, फिर डबल दबाएंगे, डबल प्रेस करेंगे तो फिर जाके पीटी शाफ्ट चलेगी। ये पीटी शाफ्ट के इधर ये गियर है इसका पीटी शाफ्ट चलाने के लिए, मसलन रूटर वगैरह या मसलन कोई चीज़ बोर वगैरह चलाने के लिए इसका पीटी शाफ्ट का गियर है। बाकी ओवरऑल चीज़ें ऐसे वैसे ही हैं, फीएट वालों के ना सेम ही। जी जी, हमारा मिल्लत वालों का ट्रैक्टर हो गया 260। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे होगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, शुक्रिया। जट्टा दा पुत थोड़ा रूठ जाता होएगा, शहर ए बठिंडा एटीट्यूड जाता होएगा, नी मेरे बिन जी नी लोंदा ना, हवाला ता कुल करदा सी जरा नी, होली होली दिल खट जू आई गया रे छट जू जू ये पहला गियर लग गया, अब हम इसे चलाते हैं।